कोटा के क्रिकेटर खिलाड़ी नरेंद्र शर्मा ने राजस्थान का नाम बढ़ाया है। नरेंद्र का चयन भारतीय डिसेबल्ड टीम ने ओपनर बैटमैन के रूप में बांग्लादेश के खिलाफ सितंबर माह में आयोजित होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में हुआ है। आज सुरेंद्र का जिला डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सम्मान किया गया और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। नयापुरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ओम प्रकाश तोषनिवाल सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे। नरेंद्र पहले भी राजस्थान टीम के कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं और इस बार उन्होंने राज्य का गौरव बढ़ाते हुए इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बनाई है। इस दौरान नरेंद्र ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि अपनी कमी को हमेशा अपनी ताकत बनाएं और हर चुनौती पर विजय पाने का लक्ष्य रखें। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपुरोहित ने कहा है कि सरकारी स्तर पर योजनाएं नहीं होने के कारण कई खिलाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सितंबर से हमारी टेस्ट मैच की सीरीज चालू हो रही है और उसके बाद 22 तारीख से हमारे वनडे मैचेज होंगे, तो हम औरंगाबाद और मुंबई में खेले जाने हैं हमारे वनडे मैच, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं निरंतर। अनंतपुरा एकेडमी में मैं अभ्यास ले रहा हूँ अनस अली के द्वारा, जो हम मेरे कोच भी कह सकता हूँ, और रणवीर गुरुजी जिन्होंने प्राथमिक कोच रहे मेरे, उनके माध्यम से, और मेरी पूरी टीम ओईसीसी जिसका सहयोग रहा है, जिंदगी भरी मैं जिनके साथ खेला हूँ उन्हीं के साथ प्यार प्रेम से आगे बढ़ रहा हूँ जी। और सितंबर में ईश्वर की कृपा अच्छी रही तो अच्छा प्रदर्शन करके वापस लौटूंगा। हाँ, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि नरेंद्र शर्मा का बांग्लादेश भारत के विरुद्ध जो भी श्रृंखला होने जा रही है उसके चयन हुआ है। इसमें बाधाएं दिव्यांगों को बहुत आती है। सबसे जो पहली बाधा है वो है सोशल एक्सेप्टेंस की, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोशलिटी के अंदर अगर समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है दिव्यांगों को कि वहाँ ये भी खेल सकता है, ये भी बहुत ऊंचे स्तर तक कर सकता है, तब तक उनके हौसले बुलंद नहीं होते।